अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी, लेकिन पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए इन बदमाशों को धर दबोचा और इनके पास से तीन पिस्टल और 40 राउंड फायर बरामद किए। वहीं एक आरोपी मौके से यहां पर फरार भी हो गया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी यूपी और भरतपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पिस्टल भी कवर किया था, उसी आज पिस्टल वाले को नायब साहब ने पकड़ लिया था। दूसरा जो आदमी हमने फर्स्ट में पकड़ा था उसको हमारे ड्राइवर साहब ने पकड़ लिया था। तीसरा जो आदमी बराबर में था, ये दो आदमी जो अलग सो रहे थे खाट पे, इन्होंने भागते हुए और हमारी तरफ जैसे फायरिंग किया था तो उसमें से एक आदमी हमसे छूट गया और एक हमने दबोच के बराबर रखा, जिसकी हमने सूचना संघ की संघ SHO साहब को दी और ऊपर अधिकारियों को भी दी। वापिस गाड़ी बुलाई और तीनों को किसी के फायरिंग में, हाँ एक तो ये खो है, थाना खो था लगता है भरतपुर में, और एक वो है खामनी है यूपी में पड़ती है मथुरा के पास में, वहाँ का है एक, वो दोनों का पता नहीं, अभी पता चल जाएगा पूछताछ। चार पकड़े, चार थे।